हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे 400 सीसी की नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट अपडेटेड बाइक है और इंटरनेशनल मार्केट में ये बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। फाइनली ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में भी लॉन्च हो चुकी है। अगर आप कोई 400 या फिर 300 सीसी के आसपास नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक परचेस करना चाहते हैं, आप ये वीडियो देख लेना। वैसे तो दोस्तों काफ़ी सारी जो है बाइक लाइक ऑलरेडी पॉपुलर बाइक्स इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि KTM ड्यूक 390 एंड कीवे की तरफ से कीवे 300N, साथ ही कावासाकी G400। ये काफ़ी सारी प्रीमियम बाइक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग इन बाइक्स को परचेस भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट टाइप की कोई नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की लाइक बिल्कुल डिफरेंट यूनिक लुक के साथ बाइक चाहिए, तो आप QJ मोटर्स की तरफ से SRK 400 को परचेस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट टाइप के लुक के साथ आती है। दोस्तों, इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अगर आप इस बाइक को परचेस कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूनिक बाइक रह सकती है, बिकॉज ये बाइक काफ़ी ज़्यादा लाइक प्रीमियम फीचर के साथ आती है एंड बाइक का लुक आपको बिल्कुल ही डिफरेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि आप ऑफिशियल वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे। साथ ही आपको काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे फीचर बताने वाला हूँ विद प्राइस। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बाइक के इंजन के बारे में। इस बाइक के अंदर आपको 400 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक एंड 8-वाल्व DOSC इनलाइन ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा फ्यूल इंजेक्शन, जिसके अंदर आपको लिक्विड कूल्ड भी देखने को मिलेगा एंड बाइक के अंदर आपको 40.9 HP की पावर एंड बाइक के अंदर आपको 37 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा। BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ आपको 6 गियर स्पीड बॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेंगे। साथ ही बाइक के अंदर आपको वेट मल्टीप्लेट क्लच ऑफर किया जाएगा। इसमें आपको फ्रंट में काफ़ी अच्छे सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, टेलीस्कोपिक अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे साइड अलाइन वाले। ओके, बाइक का फ्रेम आपको आर्क वार ट्रक की तरह देखने को मिलेगा, जो कि काफी यूनिक है। वहीं बाइक के अंदर आपको काफी अच्छे डायमेंशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। लाइक बाइक के अंदर आपको, ये बाइक 400 सीसी की है तो इसमें आपको 186 kg का कर्व वेट एंड बाइक के अंदर आपको 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 795 mm की सीट हाइट एंड 13.5 L की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी। डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा सारे बेसिक रिमाइंडर फीचर के साथ। बाइक के अंदर आपको ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको डिफरेंट टाइप की यूनिक LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देखने को मिलेगी। रियर में आपको टेल लाइट काफ़ी कॉम्पैक्ट सी यूनिक देखने को मिलेगी, जैसे कि आप ऑफिशियल वीडियोज़ के अंदर देख पा रहे होंगे। बाइक के अंदर आपको फ्रंट एंड रियर दोनों ही आपको टर्न सिग्नल लाइट लाइक इंडिकेटर आपको दोनों ही LED ऑफर किए जाएंगे QJ मोटर्स की तरफ से। वहीं बाइक के अंदर आपको काफ़ी सारे कंफर्ट फीचर भी देखने को मिल जाएंगे। इस बाइक का चेसी आपको डिफरेंट टाइप का देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ी पिलियन सीट अनकंफर्टेबल रह सकती है आप लोगों के लिए, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख के आप अंदाज़ा लगा ही पा रहे होंगे कि आपको किस तरीके की पिलियन सीट देखने को मिलेगी। वहीं बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे। लाइक बाइक में आपको फ्रंट में 110/70 का टायर एंड रियर में आपको 140/70 का टायर। फ्रंट ब्रेक आपको 260 mm के डुअल डिस्क के साथ। बाइक के रियर पार्ट में आपको 240 mm के सिंगल डिस्क देखने को मिलेंगे। ओवरऑल फ्रंट एंड रियर दोनों ही आपको काफ़ी अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं, बिकॉज फ्रंट में आपको डुअल डिस्क देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बाइक की कंट्रोलिंग आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इस बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। लाइक ओवरऑल बाइक के अंदर आपको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक एकदम आपके लिए बेटर ऑप्शन रह सकती है, बिकॉज डुअल डिस्क देखने को मिलते हैं विद डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। ओके, बाकी लुक के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। लुक और डिज़ाइन स्टाइल तो बाइक का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है लाइक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर बजाज डोमिनार 400, KTM ड्यूक 390, BMW G310 RR, सीएफ मोटो 300N के, रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411, इन सारी बाइक्स को ये बाइक फुल्ली टफ कंपटीशन देती है। बाकी दोस्तों बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में, इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आपको QJ मोटर्स की तरफ से SRK 400 के प्राइस आपको 3,40,000 के आसपास एक शोरूम देखने को मिलेंगे। ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी अच्छे प्रीमियम फीचर के साथ आती है। इस बाइक के प्राइस इसी वजह से आपको थोड़े से कॉस्टली देखने को मिल सकते हैं। इस बाइक को आप परचेस कर सकते हैं अगर आप कोई 400 सीसी के आसपास या फिर 390 के आसपास या फिर 300 सीसी के आसपास कोई भी सुपर बाइक परचेस करना चाहते हैं नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट में।
आप QJ मोटर्स की तरफ से SRK 400 को परचेस कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड लाइक SRK 400 से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।